Hello everybody, welcome back to my YouTube channel Naira Beauty Diary. I hope you all are doing great. So today I will talk about super cosmetic और आशा करती हूँ दोस्तों कि आप सभी की होली काफी अच्छी गई होगी. तो चलिए बात कर लेते हैं प्रोडक्ट के बारे में. आज मैं जो रिव्यू लेके आई हूँ वो सुगर कॉस्मेटिक से क्रॉन लिपस्टिक का है दोस्तों. तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके आउटर पैकेजिंग के बारे में. एक्चुअली दिस इज आउटर पैकेजिंग. आप सुगर की कोई भी लिपस्टिक लेते हो दोस्तों तो आपको एक जो आउटर पैकेजिंग है सेम ही आने वाली है. काफी सिंपल सी पैकेजिंग रखी गई है. तो चलिए बात कर लेते हैं लिपस्टिक के बारे में. आज का जो लिपस्टिक है वो है 12 बेबी हाउसमैन. काफी ब्यूटीफुल और पिगमेंटेड कलर है दोस्तों. और आप देख सकते हो मैं जो शेड का रिव्यू करने वाली हूँ, आप देख सकते हो पीछे में बैक साइड में इसका शेड दिया गया है ताकि इजिली आप इसे फाइंड आउट कर सको अगर आप सुगर की आपके पास काफी कलेक्शन है तो. तो चलिए बात कर लेते हैं इसके एमआरपी के बारे में. इसकी जो एमआरपी है वो है 799 और इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो है 3 इयर्स विच इज वेरी वेरी गुड. एंड इसकी जो नेट क्वांटिटी है वो है 2.8 ग्राम. तो चलिए बात कर लेते हैं इसके फार्मूले के बारे में. इसका जो फार्मूला है काफी क्रीमी है और जब आप इसे यूज करते हो दोस्तों तो आफ्टर सम टाइम ये मैट में कन्वर्ट हो जाता है. एक्चुअली मैंने 799 इसका जो एमआरपी है वो मैंने पूरा पे किया है क्योंकि मुझे कोई डिस्काउंट दोस्तों नहीं मिले हैं. मैंने सुगर कॉस्मेटिक के वेबसाइट से एक्चुअली इसे परचेस किया था और वहां पे मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिले थे. बट जब आप इसे नायका से परचेस करते हो तो वहां पे ऑलमोस्ट 15% का आपको डिस्काउंट दोस्तों मिल जाएगा. बट मैंने उस टाइम नायका पे चेक नहीं किया था और मैंने सुगर के वेबसाइट से परचेज किया था तो वहां पे मैंने 799 ही पे किया था. बट मुझे एक बेनिफिट हुआ था दोस्तों, मुझे वहां से एक सुगर का एक मेकअप पाउच, आप देख सकते हो ये मुझे फ्री मिला था. आप देख सकते हो काफी खूबसूरत और ब्यूटीफुल पाउच है. आप इसे कोई भी आप अपने ट्रैवलिंग के लिए आपको थोड़ी बहुत अगर मेकअप की जरूरत होती है तो आप इसमें स्टोर कर सकते हो या फिर आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी इसमें स्टोर कर सकते हो. और साथ ही मुझे एक लिप शेड का मिनी साइज मिला था चेक करने के लिए कि मे बी अगर मुझे इसका शेड पसंद आए तो मैं इसका बड़ा साइज बिगर साइज मंगवा सकूं दोस्तों. और मुझे ये बहुत पसंद आया है और मैं इसका जो बड़ा शेड है वो मंगाने वाली हूँ. एक्चुअली ये लिक्विड में मैट लिप शेड है, न्यूट शेड, काफी खूबसूरत है. तो इसका रिव्यू भी मैं आपके सामने जल्द ही लेके आऊंगी. तो बात कर लेते हैं अब लिप शेड के बारे में. और ये मुझे पाउच मिला है, बस एक ही बेनिफिट मुझे हुई है दोस्तों और मुझे ये काफी पसंद आया है. तो चलिए बात कर लेते हैं इसके फार्मूले के बारे में. इसका जो फार्मूला है दोस्तों वो काफी क्रीमी है, काफी इसका जो टेक्सचर है काफी क्रीमी है. आपकी स्किन आपके लिप पे फील नहीं होगा कि आपने कुछ अप्लाई कर रखा है क्योंकि बहुत सारे लिप शेड होते हैं कि आपको अप्लाई करने के बाद थोड़ा हेवी फील होता है. बट इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है, काफी पिगमेंटेड है, ज्यादा किस प्रूफ आप मान सकते हो क्योंकि क्रेयॉन लिपस्टिक एक्चुअली किस प्रूफ नहीं होते हैं. मैं ये बोलूंगी बहुत सारे क्रेयॉन लिपस्टिक मेरे पास है, मैंने नायगा के परचेस किए हैं, फेसेस के परचेस किए हैं और बहुत सारे ट्रांसफर होते हैं. बट इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है. ये इसकी मुझे बहुत अच्छी बात लगी है. मुझे नहीं पता था एक्चुअली सुगर की जो लिप शेड होती है, क्रेयॉन लिप कलर, वो इतनी अच्छी होती है. बट मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि मैंने सुगर का लिक्विड शेड मैंने एक परचेस किया था टेरेंजी ऑरेंज और वो मुझे एक्चुअली नहीं पसंद आया था दोस्तों क्योंकि वो लिप पे जाने के बाद काफी ड्राई हो जाता है. बट अभी बात कर रहे हैं 12 बेबी हाउसमैन की. तो चलिए सबसे पहले आप देख सकते हो मैंने अपने हैंड पे पहले से स्वेच कर रखा है इसका शेड मैं, लेकिन फिर दोबारा आपको अगेन इसे आपको स्वेच करके दिखाऊंगी दोस्तों कि ये इसका कलर कितना खूबसूरत है. देख सकते हो, ओ माय गॉड, दिस इज सो ब्यूटीफुल कलर. आप देख सकते हो मैंने लास्ट ये मैंने इसे किया है, मैंने स्वेच करा है और कितना खूबसूरत और पिगमेंटेड है. काफी ट्रांसफर नहीं होती. आप आउटिंग के लिए जाते हो, आप न्यूली मैरिड, आपकी शादी हुई है, आपको ज्यादा मेकअप नहीं पसंद है, तो मैं उन महिलाओं को यही रेकमेंड करूंगी, हाईली रेकमेंड करूंगी कि आप एक बार 12 बेबी हाउसमैन जरूर ट्राई करें क्योंकि ये इतना खूबसूरत और ब्यूटीफुल कलर है ना दोस्तों कि आप एक बार जब इसे ट्राई करोगे तो आपका जो लुक है बिल्कुल हीरोइन टाइप दिखने वाला है. मैं यही बोलूंगी आप एक बार जरूर ट्राई करें क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया. आप आउटिंग के लिए जाते हो, कभी घूमने जाते हो, पार्टी के लिए जाते हो तो आप इसे इजिली वेयर करके जा सकते हो क्योंकि इसमें एक खासियत है कि ये क्रेयॉन लिपस्टिक होने के साथ ये ज्यादा ट्रांसफर नहीं होती और आप इसे रीअप्लाई भी कर सकते हो. मैं आपके सामने
इसे रीअप्लाई सॉरी मैं इसे इसे ट्रांसफर करके दिखाना चाहूंगी। मैं बहुत फोर्सफुली अपने हाथों को मैं इस पे दबाना चाहूंगी ताकि आप देख सकते हो कि ये ज्यादा ट्रांसफर नहीं होती है। लुक एट हेयर, कितना कम ट्रांसफर हुआ है और उसके बाद भी ये काफी पिगमेंटेड दिख रहा है। अगर थोड़े बहुत अगर खाने पीने में चली भी जाती है दोस्तों, तो मैं यही बोलूंगी कि आपका जो कलर है बिल्कुल लिप से हटने नहीं वाला, और साथ ही जब आप इसे अच्छे मेकअप रिमूवर से रिमूव करते हो तभी ये जाता है, और साथ ही आपके लिप पे एक हल्का सा टिंट छोड़ता है। ये मुझे बहुत अच्छी लगी कि लिपस्टिक हटाने के बाद भी आपके जो लिप हैं थोड़े टिंटेड लगेंगे। तो एक चीज है कि मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि जब भी आप इसे रिमूव करते हो तो अच्छे वाटरप्रूफ मिसलर वाटर से या फिर आप अच्छे वाइपर से ही इसे वाइप करें, तभी ये अच्छे से निकलेगा। और कितना खूबसूरत कलर है जब आप इसे लगाते हो दोस्तों, तो इससे आपको उस टाइम आपको क्रीमी फील होगा। मैं यही बोलूंगी उस टाइम आपको लगेगा कि आपने क्रीमी लिपस्टिक लगा रखा है, बट आफ्टर सम टाइम ये मैट में कन्वर्ट हो जाता है और काफी खूबसूरत दिखाता है आपके लिप को। आप देख सकते हो ये लगभग मैट में कन्वर्ट हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारे लिपस्टिक होते हैं क्रायोन लिपस्टिक, मैंने फेसेस के भी ट्राई किए हैं, उसमें भी मुझे ट्रांसफर होती है, बट ये ज्यादा ट्रांसफर नहीं होती। मैं अपने हथेली पे भी आपको ट्रांसफर कर दिखाना चाहूंगी दोस्तों। आप देख सकते हो काफी कम ट्रांसफर हुआ है, मैं काफी फोर्सफुली दबाने के बाद भी ये काफी कम ट्रांसफर हुई है। मैं जब भी आउटिंग के लिए जाती हूँ तो मैं ज्यादातर इसे वेयर करती हूँ, क्योंकि ये ज्यादा ट्रांसफर नहीं होती। और लिप पे बहुत सारे लिपस्टिक होते हैं कि लगाने के बाद आफ्टर सम टाइम वो क्या होता है ना, पैच ही दिखने लगता है, आपका लिप फट जाता है, ऐसा लगता है लाइन लाइन आपके लिप पे हो गया, बट इसके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप कोई मैट लिपस्टिक चाहते हो तो आपको बहुत ज्यादा नहीं पसंद है तो आप सुगर की क्रायोन लिपस्टिक ट्राई कर सकते हो। ये क्रीमी आपके लिप पे फील होगा, बट ये बिल्कुल जो आपका लुक है वो मैट दिखाएगा। आप अगर कॉलेज गोइंग गर्ल हो, इवन आप हाउसवाइफ भी हो, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो दोस्तों। काफी खूबसूरत ब्यूटीफुल कलर है, काफी पिगमेंटेड है, ज्यादा ट्रांसफर नहीं होती। आप बहुत ज्यादा खाते पीते हो फिर भी मैं आपको यही बोलूंगी कि ये ज्यादा ट्रांसफर नहीं होती है। मैं सच्ची में बताऊं तो मुझे ये नहीं पता था कि एक्चुअली सुगर की लिपस्टिक इतनी अच्छी होती है, सच्ची बताऊं तो, बट मैं इसकी फैन हो चुकी हूं और मैं इसका और भी शेड लेने वाली हूं। मैंने अपने चैनल पे इसका एक और शेड है जीरो स्कारलेट ओहारा, उसका मैंने रिव्यू कर रखा है मेरे चैनल पे, आप डायरेक्ट जाकर वहां पे चेकआउट कर सकते हो। काफी रेड शेड में काफी न्यूली ब्राइट के लिए काफी ब्यूटीफुल कलर है, और ये 12 बेबी हाउसमैन भी न्यूली ब्राइट के लिए काफी खूबसूरत कलर है। अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हो तो ऑब्वियसली आप इतना डीपर वेयर करके लिपस्टिक नहीं जाओगे, बट मैं यही बोलूंगी कि आप आउटिंग के लिए जाते होगे, पार्टी के लिए जाते हो, कभी फ्रेंड्स के साथ जाते हो, तो ये आप अप्लाई कर सकते हो। ये आपका जो लुक है सुपर डुपर ऑसम दिखाने वाला है। एक्चुअली मुझे ये लिपस्टिक बहुत अच्छा लगता है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ दोस्तों। मुझे इस लिप कलर के बारे में बोलने के लिए कुछ पैसे नहीं दिए गए हैं, एक्चुअली मुझे ये लिपस्टिक बहुत पसंद है। सुगर की क्रायोन लिपस्टिक के बारे में मैं बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे लिक्विड उतनी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि वो लिप पे जाने के बाद ना आपका लिप है वो काफी ड्राई कर देता है। बट फिर भी अगर आपको सुगर की लिक्विड लिपस्टिक लेनी है तो आप एक चीज ध्यान रखें कि अपने लिप को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लें, उसके बाद ही आप अप्लाई करें। मैं एक और साथ में टिप्स देना चाहूंगी दोस्तों कि आप जब कोई भी लिप शेड पहनते हो तो मैं आपको ये बोलूंगी कि आप सबसे पहले अपने लिप को मॉइस्चराइज कर लें, उसके बाद ही कोई भी लिपस्टिक पहने। बट उसके बाद है कि मॉइस्चराइज करने के बाद आपका जो लिपस्टिक का कलर होता है वो चेंज हो जाता है, बहुत सारे ऐसे कंप्लेन आते हैं। बट उसके साथ भी मैं आपको एक फार्मूला बताना चाहूंगी कि आपको मॉइस्चराइजर ट्राई करने के बाद अपने लिप्स को अच्छे से डैप कर लें किसी कॉटन से या फिर आप वाइप से, और उसके बाद ही टिश्यू पेपर से, उसके बाद ही आप लिपस्टिक पहने। और साथ ही अगर आप इसका जो कलर है काफी खूबसूरत है, अगर आप और खूबसूरत दिखाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने लिप पे प्राइमर आप लगा सकते हो या फिर आप फाउंडेशन का वन लेयर लगा सकते हो दोस्तों। उसके बाद भी लिप का जो कलर है वो काफी खिल के आता है, आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल कलर है, काफी पिगमेंटेड है, काफी पिगमेंटेड है, ज्यादा ट्रांसफर नहीं होती, वाटर प्रूफ है। मैं यही बोलूंगी कि आप एक बार जरूर ट्राई करें, और साथ ही आप जब इस लिपस्टिक को सुगर की क्रेयॉन लिपस्टिक लेते हो तो साथ ही इसके साथ आपको एक शार्पनर फ्री मिलेगा दोस्तों, हर क्रेयॉन लिप कलर के साथ।
आप देख सकते हो। और इसका जो शार्पनर का प्राइस है वो है 100, बट आपको अगर आप सुगर की वेबसाइट से परचेस करते हो या फिर नायका से परचेस करते हो तो ये बिल्कुल आपके पास फ्री आने वाली है। तो आप जरूर जरूर ट्राई करें। मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आप नायका से ही लो या फिर आप सुगर की वेबसाइट से ही लो। आप गूगल पे जाके दोस्तों चेक कर सकते हो, आपको जहां भी आपको ये सस्ती दिखे आप ले लें। और मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप जब भी इसे सुगर की लिपस्टिक को ले तो आप ऑफर में ही बाय करें, क्योंकि थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है। बट इसका जो नेट क्वांटिटी है 2.88 ग्राम, विच इज वेरी वेरी गुड एंड आई लाइक इट, आई लव इट एक्चुअली। इसका जो कलर है मैं बहुत काफी मुझे पसंद आया है, और आशा करती हूँ कि आपको भी मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो। अगर मेरा ये रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक्चुअली मैं किसी भी सब्सक्राइबर को फोर्स नहीं करती हूँ दोस्तों कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरा चैनल पे जो भी मैं वीडियो लेके आती हूँ आपको अच्छा लगे तभी लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आप किसी भी चैनल को तभी सब्सक्राइब करोगे जब आप उसे दोबारा देखना चाहोगे। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो आप तक पहुँच पाया है और मैं आपसे कनेक्ट हो पा रही हूँ। तो आप एक बार जरूर ट्राई करें और आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज 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 लाइक कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल नायरा ब्यूटी डायरी। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।